हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फॉर टूडेज वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर प्लस बॉडी केयर रूटीन। एंड ये मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होने वाला है। एंड एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इतनी सारी जो स्टेप आप आज की वीडियो में देखोगे वो मैं रोज नहीं करती, वो वीक में 2 टाइम करती हूँ, या फिर जब मेरा मेकअप ऑन रहता है या फिर जब मुझे लगता है कि हाँ आज कर लेना चाहिए। बिकॉज इतना सारा डेली फॉलो करना मेरे लिए मेरे बस की नहीं है। सो मेरा जो वो एवरीडे वाला होता है उसमें सिर्फ फेस वॉश, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, यही तीनों चीज़ें होती हैं। एंड जब भी मैं मेकअप करती हूँ उसके बाद मैं नाइट टाइम डिटेल वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ ताकि मेरी स्किन खराब ना हो मेकअप की वजह से। सो या बहुत बातें हो गई, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फेस वॉश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का ग्रीन टी पोर क्लिंजिंग फेस वॉश। एंड राइट नाउ मैं इसका ग्रीन टी रेंज ही यूज़ कर रही हूँ एंड ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए हैं एंड मैंने काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखा है अपने फेस पे, दैट्स व्हाई मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये वाला जो फेस वॉश है इसमें छोटे छोटे स्क्रब पार्टिकल है तो स्क्रबिंग भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है एंड ऑल्सो ये स्किन को डीपली क्लीन करता है, दैट्स व्हाई ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सेम वेरिएंट का मैं ये मास्क यूज करती हूँ, ये प्लम का ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क है। ये मास्क एक्ने को कंट्रोल करता है तो एक्ने कंट्रोल होना बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स व्हाई मैं इसको यूज करती हूँ। प्लस ये स्किन को सूथ करता है एंड आपकी स्किन को क्लींस करता है तो ये फेस मास्क मैं यूज कर रही हूँ। इसको अप्लाई करके ना कुछ देर छोड़ना होता है, कम से कम आप 20 मिनट छोड़ दो, तो उस बीच में ना मैं अपना बॉडी केयर का थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। सो बॉडी के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाव का अरेबिका कॉफी स्क्रब। इसके अंदर है कॉफी या बटर, कोकोनट ऑयल, तो स्क्रबिंग करने से ना आपकी स्किन तो क्लीन होगी ही एंड स्किन का जो डेड स्किन होता है वो क्लियर होता ही है। प्लस ये स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ बना देता है बिकॉज इसमें शिया बटर एंड कोकोनट ऑयल है एंड आप इसे हाथ पैर बॉडी हर जगह अप्लाई कर सकते हो, बट मैं मेनली अपने हाथ और पैर दोनों पे ही करती हूँ। एंड अपने पैरों के लिए मैं ये फूट स्क्रबर यूज करती हूँ। ये फूट स्क्रबर बहुत ही अच्छा है, इसका जो ये वाला पार्ट है वो टेक्सचर्ड है तो इसे बहुत अच्छे तरीके से स्क्रबिंग हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मैं अपने पैरों पे इससे स्क्रबिंग करती हूँ ताकि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। सो ये वाला टूल मैं यूज करती हूँ। इनकेस अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं लिंक कर दूंगी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहां से चेक कर लेना। एंड देन मैं यूज करती हूँ टोनर अपने फेस को क्लीन करने के बाद, तो अगेन मैं ये प्लम का ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर यूज करती हूँ। ये ड्राइनेस एंड रेडनेस को प्रिवेंट करता है प्लस स्किन को फ्रेश एंड टोन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। टोनर यूज करने के बाद ऐसा होता है कि आपकी स्किन एकदम से फ्रेश लगनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैं यूज करती हूँ ये प्लम का नाइट जेल, ये ग्रीन टी रीन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल है एंड इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है, दैट्स व्हाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस इसको ना सिंपली लगा के सोना होता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ एंड देन मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ अपना सेम ये प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। ये स्किन को एकदम से मैट कर देता है एंड ऑल्सो ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, मॉइस्चराइजर का काम ही वही होता है। एंड ये मैं लगा लेती हूँ एंड मेरा फेस रेडी हो जाता है, तो ये लगा के खत्म हो जाता है मेरा स्किन केयर। तो रिसेंटली मैंने अपना आई केयर करना स्टार्ट किया है तो मैं ये यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का अंडर आई क्रीम विथ कुकुम्बर एंड कॉफी। इसमें कुकुम्बर एंड कॉफी है, कुकुम्बर फॉर फ्रेशनेस एंड कॉफी फॉर रिमूविंग डार्क सर्कल्स। सो ये वाला मैं यूज कर रही हूँ एंड कुछ इस टाइप का है, बहुत ही बड़ा सा डब्बा है तो उसमें बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी आई है। एंड इसको लगाने के बाद मैं थोड़ा बहुत मसाज कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है इसको ऐसे ऐसे मसाज करने में, आपकी आंखें एकदम से फ्रेश फील करने लग जाती है। एंड देन मैं ये मामाअर्थ का उपटन बॉडी बटर विथ टर्मरिक एंड हनी यूज करती हूँ अपने बॉडी के लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसमें मैं अपना जो थोड़ा सा बॉडी केयर है वो भी इंक्लूड करूंगी। सो ये मैं यूज करती हूँ एंड ये स्किन को डीप नरिशमेंट देती है एंड मुझे अच्छा लगता है जब मैं रात को अप्लाई करके सोती हूँ बिकॉज मुझे दिन में कोई ऐसा फर्क नजर आता नहीं है, सो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट एंड जो लास्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग की वजह से मैंने ली थी एंड इसका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा रिजल्ट लग रहा है इसका। ये प्लम का हैंड क्रीम है, ये कॉफी वाला है एंड ये चेरीज एंड कीवी वाला है। सो ये दोनों मैंने लिया था एंड बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा प्राइसी है बट या मुझे अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई मैंने लिया एंड मैं यूज कर रही हूँ, रिजल्ट काफी अच्छा है। तो लास्ट मैं यही यूज करती हूँ एंड दैट्स इट फॉर माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन प्लस बॉडी केयर रूटीन। एंड इतना सब कुछ करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, प्लस
सबको करने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, तो वो वाली फीलिंग बहुत ही अच्छी लगती है। बट हाँ, करने से पहले थोड़ी सी लेजीनेस होती रहती है, बट या कर लोगे तो अच्छा होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकेस यू आर इंटरेस्टेड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप कुछ भी लेते हो तो प्लीज पैच टेस्ट जरूर कर लिया करो, उसके बाद ही अप्लाई किया करो स्किन के ऊपर, बिकॉज अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो या कीप दिस इन योर माइंड, एंड प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।